हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर इंडिया ने वह मुकाम हासिल कर लिया है कि इंडिया द्वारा कहे गए हर शब्द को पूरी दुनिया बहुत ध्यान से सुनती है, फिर चाहे बात क्लाइमेट चेंज की हो या फिर वर्ल्ड सप्लाई चेन की हो या फिर फूड सिक्योरिटी की हो। इंडिया ने हर मुद्दे पर अपनी बात बहुत अच्छे से रखी है और वेस्टर्न नेशंस के अगेंस्ट जाकर खुद को यह साबित किया है कि उनकी मोनोपोली अब नहीं चलेगी। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इश्यूज पर बात करता है। हम जानते हैं कि इंडिया यूं तो एक सेक्युलर कंट्री है, पर जब भी हिंदू कल्चर की बात आती है तो इसे इंडिया से जोड़ा जाता है और यह होना भी चाहिए। आखिर हिंदुइज्म पूरी दुनिया को इंडिया ने ही तो दिया है, फिर भला कैसे जब किसी हिंदू मंदिर या देवता पर उंगली उठाई जाएगी तो इंडिया चुप रहेगा। इस बात की डेप्थ में जाने के लिए हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के लीसेस्टर शहर में हिंदू मंदिर में काफी वायलेंस हुआ और उस मंदिर को तोड़ा गया, और इसकी शुरुआत उस दिन से हुई जब इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप के लिए मुकाबला चल रहा था। इस मुकाबले के दौरान हिंदू और मुस्लिम ग्रुप्स में काफी क्लैशेस होने लग गए, जहां पर सोशल मीडिया पर कई वीडियोस और रिपोर्ट सर्कुलेट होने लग गई और इसी ने आग में घी डालने का काम भी किया। इन दोनों ग्रुप्स में काफी ज्यादा वायलेंस होने लगा। इवन कुछ वीडियोस तो ऐसे थे जहां पर कुछ हिंदू प्रोटेक्टर जय श्री राम के स्लोगन के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इतना ही नहीं, उन्होंने लीसेस्टर में रहने वाले मुस्लिम द्वारा यूज की जा रही प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया था, और इसी के रिएक्शन में मुस्लिम ग्रुप्स ने हिंदू टेंपल को नुकसान पहुंचाया था। इस इंसिडेंट पर लीसेस्टर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पर इंडिया इस मुद्दे को लेकर चुप रहने वालों में से नहीं है, और इसीलिए लंदन में इंडियन हाई कमीशन ने इस इंसिडेंट को लेकर स्ट्रॉन्गली कंडेम किया है। अपने स्टेटमेंट में इंडियन हाई कमीशन ने इस वायलेंस और हिंदू टेंपल के तोड़े जाने को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया है, और उसमें लिखा है कि इस मैटर को लेकर उन्होंने यूके अथॉरिटीज से बात की है और साथ ही इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए भी कहा है। साथ ही उन्होंने इस प्रोटेस्ट में अफेक्टेड लोगों को प्रोटेक्शन देने का दावा भी किया है। लीसेस्टर पुलिस ने इस मैटर में इन्वॉल्व 15 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ नोटिफिकेशन फ्रॉम अस।